वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। ये जो सूद, ये रिश्वत, ये हराम कारियां, और फिर अल्लाह जो दौलत दे, दौलत के बल पर खुदा को भूल जाना, दौलत के नशे में खुदा को भूल जाना, दौलत और सर्वत के नशे में दीन से दूर हो जाना, ये सारी चीजें ऐसी नहुसतें हैं जिसने तुम्हारी सनत को तबाह करके रखा है। अल्लाह अकबर। देखने वाले समाजी सियासी लोग जिस तरह भी इस मसले को देखते होंगे, ये फकीर की सदा है, एक सदा मुसलमान पावर लूम की सनत में जो नाजायज चीजें शामिल कर चुके हैं उनसे बाहर निकले, रिश्वत से, सूद से, और आने वाली दौलत का मिसयूज करने की बजाय, आने वाली दौलत को हराम तौर पर इस्तेमाल करने की बजाय, इस्लाम ने जो तिजारत का कानून बताया है उस पर अमल करें, और खुदा की दीवी दौलत से अय्याशियों को रिवाज न दे बल्कि इस्लाम को फरोग दे। हुकूमत किसकी भी आएगी, इंशाअल्लाह तुम्हारी तिजारत पर कभी मंदी नहीं आ सकती। लेकिन ये सारी चीजें ये हो रही है, आज का मजदूर भी अय्याश और आज का सेठ भी अय्याश। इल्लामा सबकी बात नहीं करता, अक्सरियत का यही है। थोड़ी सी चर्बी चढ़ती है दौलत की तो मजहब से बू आने लगती है। गरीब था तो मस्जिद में 5 वक्त जाता था, दौलत आ गई तो 2 रकअत के लिए जाता है, बड़ी बड़ी बातें करता है। याद रखना, अल्लाह जो दौलत देना जानता है वो दौलत छीनना भी जानता है। हुकूमत किसी की हो, अल्लाह की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। अगर अल्लाह नवाजना चाहेगा कोई मंदी नहीं ला सकता, और अल्लाह छीनना चाहेगा तो कोई तुम्हें राहत नहीं दे सकता। इसलिए आज छोटे छोटे बच्चे, मैं तो देखता हूं सेठों के बच्चों को इबादत का भरपूर मौका है। बाप ने बिठा दिया 20-22 साल के बच्चों को, बेटा रात भर तुम लूम की निगरानी करो, क्या वो दुरूद नहीं पढ़ सकता? पढ़ सकता है ना, मोबाइल लेके बैठा रहता है, क्या करता है वही जानते, रात रात भर लेकर के बैठे होते हैं। मैं कहता हूं रात भर अगर बैठना ही है मजदूरों पर, जो है वो निगाह करने के लिए तस्बीह लेकर भी बैठ सकता है, किताब लेकर भी बैठ सकता है, सीरत की किताब लेकर भी बैठ सकता है, तिलावत लेकर भी बैठ सकता है। खुदा की इज्जत और जलाल की कसम, कभी तुम पर मुसीबत नहीं आएगी। और उस उसूल के साथ तिजारत करो जो इस्लामी उसूल तिजारत है, इस्लामी जो तिजारत का उसूल है उसके मुताबिक करो। पढ़ो इस्लामी तिजारत का उसूल क्या है। जिस दिन मुसलमान इस्लामी तिजारत करना शुरू करेगा, इंशाअल्लाह उस दिन उसको कभी घाटा नहीं होगा, कभी नुकसान नहीं होगा। रात के 3-3 बजे तक फजूल जागते हो, 12 बजे तक सोते पड़े रहते हो। मजदूरों का हाल भी है, खूब कमाएंगे, 2-2 हजार रुपए कमाएंगे, घर पे कितना देंगे, ज्वाइंट फैमिली है तो 500-700 रुपए पकड़ा देंगे, मां को ये पकड़ और चला हफ्ते भर, और वो जो पैसा बचाएंगे उस पर खूब हौज मौज करेंगे। जितना मोबाइल में इंटरनेट के लिए रिचार्ज करते हो, गरीब के घर का हफ्ते भर का खर्चा निकल सकता है। मस्जिद में 2 रुपए देने बदन पे कांटे आते हैं, अल्लाह की राह में देने के लिए दिल छोटा होता है, और हराम कामों पर हजारों सैकड़ों रुपए खर्च करते हो, फिर तुम पर मुसीबतें नहीं आएगी तो कौन? देने वाला अल्लाह है। अल्लाह की खुफिया तदबीर से डरते रहना, अल्लाह की खुफिया तदबीर से बचते रहना। जिस दिन खुदा की लाठी उठती है उस दिन वो नमरूद को लंगड़े मच्छर से हलाक कर देता है, फिरौन को दरिया में गर्क कर देता है। बूढ़ी माँ को सदाते हो 500-700 रुपए में घर चलाओ, और तुम अय्याशियों के लिए इतने रुपए रखते हो, दोस्तों पे खर्च करते हो, माँ बाप पे नहीं खर्च करते। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कयामत की निशानियों में से एक निशानी है कि लोग माँ बाप पे खर्च करने में हाथ समेटेंगे और यार और दोस्तों पे खर्च करेंगे। अपने घर वालों पे कुशादगी करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो अपने घर वालों पे, माँ बाप पे खर्च करे, अल्लाह उसकी उम्र में इजाफा करता है, उसके रिस्क में इजाफा करता है। हाँ, माँ बाप पे खर्च करो, औलाद पे खर्च करो, फिर उसके बाद जो कुछ गुंजाइश हो तो दोस्तों पे भी खर्च करो। लेकिन दीन की पूरी सूरत बदल करके रख दी है। आज बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, बड़ी बड़ी खूबसूरत टोपी वाले भी सूद लेने देने रिश्वत में जो है वो जरा नहीं डरते, खौफ नहीं करते। याद रखना, अगर दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है तो तुम्हें दाढ़ियां नहीं बचा सकती।
चाहे कितनी भी खूबसूरत दाढ़ियां रख लो, कितनी भी खूबसूरत टोपियां पहन लो, जाहिर का दीन तुम्हें कुछ नहीं अता कर सकता। अपने अंदर को बदलो, अंदर दीन पैदा करो, निगाहों में दीन पैदा करो। क्या हो रहा है? चुपके चुपके सूद खा रहे हो, चुपके चुपके रिश्वत खा रहे हो। किससे डरते हो? अपने जैसे इंसान से। सबसे छुप सकते हो, क्या रब से भी छुप सकते हो? जब रब से नहीं छुप सकते, इंसान से डरकर गुनाह छोड़ा, अल्लाह से डरकर गुनाह क्यों नहीं छोड़ते? क्यों हमने अपने आप को बदल दिया? क्या ऐसे लोग भी मुसलमान हैं जो इंसान से डरकर तो गुनाह छोड़े और अल्लाह से न डरे? क्या हो गया हमें? हमारी फिक्र क्या हो गई? रोने वालों, अफसोस करने वालों, आयत करीमा का खत्म करने वालों, कोई आयत करीमा का फैजान तुम्हें नहीं मिलेगा अगर तुम्हारे दिलों के अंदर अल्लाह का डर मौजूद नहीं है, खुदा की खशियत मौजूद नहीं है। अरे अल्लाह का कलाम तो फायदा पहुंचा सकता है, लेकिन उस कलाम के लिए ऐसी जबान भी तो चाहिए। कितने वो कारोबारी लोग हैं जिन्होंने अपने कारोबार को हराम से बचा रखा है, जिन्होंने बचा लिया वो मुबारकबाद के काबिल है। अल्लाह ने हमें रोजी और रिस्क देने का वादा किया है, वो रज़ा के मुतलक है, लेकिन हलाल के जरिए से हासिल करो, क्यों हराम में पड़ते हो? आज मेरा उनवान वो नहीं, सिर्फ मैंने दर्द दिल के तौर पे पेश कर दिया। हुजूर सबके रसूल, हुजूर सबके रसूल हैं। वो नन्ने नन्ने बच्चों ने कहा, या रसूल अल्लाह, हमारी माँ से हमने ये फरियाद की और आज हम आपकी बारगाह में आ गए। ये मंजर देखा है उस शिकारी ने, तो उसने कहा, जिसके हुक्म पर हरनी पलट आती हो, जिसको तकलीफ में हरन के बच्चे नहीं देख सकते, उसने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसने कहा, मैं अब इसको कैद नहीं करूंगा, आजाद कर दूंगा। पता चला हुजूर के फरमान पे अमल करने से मुसीबत नहीं आती, मुसीबतें दूर हो जाती। बजाई तो हरन को लग रहा था कि मैंने जाके कहां पढ़ना है, मुसीबत में, लेकिन हुजूर के हुक्म पे कोई अमल करे मुसीबत नहीं होगी, हुजूर सबके रसूल हैं। बात आई जानवरों ही की, तो मुझे एक रिवायत और याद आई। हुजूर अलैहि सलातु व तस्लीम के पास एक बहुत खूबसूरत ऊंट तोहफे में दिया गया था और उस ऊंट का नाम था गजबा। इसकी दास्तान यह है हदीस में, हुजूर सबके रसूल हैं। अभी जिन्नात का भी जिक्र आएगा, अभी सबका जिक्र आएगा, परिंदों का भी जिक्र, हुजूर सबके रसूल हैं। तुम न मानो, नबी का कुछ बिगड़ता नहीं, उनको तो सारी मखलूक मान रही। फरमा, जो मानेगा उसका बेड़ा पार होगा, जो न मानेगा हुजूर का कुछ नहीं बिगड़ेगा। भाई सूरज को कोई लाख गालियां दे, सूरज का कुछ बिगड़ सकता है? तुम अपनी बनी बिगड़ रहे हो ना हुजूर के फरमान पर अमल न करके। हुजूर को मानो, हुजूर की मानो। गजबा या गजबा, हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में इस ऊंट को भी बहुत खूबसूरत था। असल में ये एक देहाती के पास था, एराबी के पास थी। ये देहात का एक शख्स था, वो ये ऊंट लेकर आया, फारूक आजम को बहुत पसंद आया। उसने कहा कि मैं अल्लाह के रसूल को ये हदिया करता हूं, तोहफे में देता हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसको लिया, हुजूर उसको बहुत प्यार करते थे, उस पे बैठते थे हुजूर अलैहिस्सलाम। एक दिन उसने कहा, या रसूलल्लाह मैं एक बात आपको बताऊं। सरकार ने कहा बताओ। उसने अर्ज की, या रसूलल्लाह, जब तक मैं वो देहाती के घर था ना, तो जंगल में वो देहाती मुझे बांध देता था रात में, और रात भर में जंगल में बंधा रहता था, तो जंगल के सारे जानवर मेरे इर्द गिर्द आकर जमा हो जाते थे और कहते थे इसको तकलीफ नहीं पहुंचाना, ये आगे चल के रसूलुल्लाह की सवारी बनने वाला है। अभी वो सवारी बना नहीं है, जंगल के जानवर उस क्यों? हुजूर सबके रसूल हैं। हुजूर सबके, जंगल के जानवर हुजूर का कितना एहतराम करते हैं, जब हुजूर की सवारी का इतना एहतराम करते हैं। अच्छा, वो सवारी बना नहीं, बनने वाला है, हुजूर की सवारी बनने वाला है, तो इतना एहतराम करते थे जंगल के जानवर, वो कहते थे इसको तकलीफ मत पहुंचाना, बल्कि वो उससे मिलने आते थे, कहते थे तू बड़ा मुबारकबाद का मुस्तहिक है, तेरी किस्मत बड़ी अजीम है कि तुझे हुजूर की सवारी बनना है। हुजूर अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए सुनकर, तो उसने कहा हुजूर एक बात कहूं। सरकार ने कहा कहो। या रसूल, यहां आप मुझ पर बैठते मुझे बहुत अच्छा लगता है।
ऊंट पे आप बैठे ना, कोई ऊंट आपको कहेगा मुझे बहुत अच्छा लगता है, बोलो कहेगा नहीं कहेगा? इसका मतलब ऊंट भी पहचानता है कि कौन खाकी बशर है और कौन नूरी बशर है, कौन मर्दूद है कौन महबूब है। ऊंट भी पहचान, अल्लाह ने जानवरों को भी इतनी हिस दी है, इतना शऊर दिया है। हाँ तो उसने कहा हुजूर मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि, और सोचकर परेशान रहता हूं कि अगर जब आखिरत का मामला होगा तो जन्नत में पता नहीं आपकी सवारी को पसंद करेंगे। तो मेरी तमन्ना ये हुजूर कि जब आप जन्नत में जाए ना तो आपको कोई सवारी मिले आप मुझी को पसंद करें। क्या आप ये वादा फरमाते हैं? आज आप मुझसे वादा करें। हुजूर ने कहा ठीक है, हम आज तुझे देते हैं कि हम कयामत के दिन तुझी को अपनी सवारी बनाएंगे। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसने अर्ज की हुजूर दूसरी बात मेरी ये है, अब जब दरियाए करम जोश पे देखा तो उसने भी मांगना शुरू किया, क्योंकि उसको भी पता है नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। हुजूर सबके रसूल हैं। उसने कहा हुजूर जब ये अता कर दिया तो एक चीज और अता कर दे। मेरी तमन्ना ये है कि जब आप दुनिया से तशरीफ ले जाएं तो उसके फौरन बाद मैं भी मर जाऊं। क्यों? इसलिए कि मेरी तमन्ना ये है कि जिस पर आप बैठ चुके अब आपके बाद उस पर कोई नहीं बैठ सकता, आपकी सवारी पर आपके बाद अब कोई नहीं बैठ सकता, उसको कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया उस पर सुकूत इख्तियार फरमाया, लेकिन फिर क्या हुआ? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिरी तौर पर जब तक हयात रहे वो हुजूर अलैहि सलाम की सवारी बनता रहा, लेकिन जब हुजूर का पर्दा हो गया तो अब वो क्या किया? उसने खाना बंद कर दिया, पीना बंद कर दिया, रोता रहता था वो। एक दिन सैयदा फातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने उसको देखा कि वो रो रहा था, तो उसने सैयदा को कहा अस्सलामु अलैका या बिनते रसूलल्लाह। और फिर सलाम का जवाब जब सैयदा ने दिया तो कहा क्या हाल है? तो कहा हुजूर के गम में हूँ, ना खाता हूँ ना पीता हूँ, अब मैं मरने वाला हूँ और आपके बाबा जान की बारगाह में हाजिर होने वाला हूँ। अगर आपको कोई पैगाम पहुँचाना है तो आप मुझे बता दें, मैं हुजूर तक वो पैगाम पहुँचा दूंगा। सैयद ने उसकी गर्दन पे हाथ फेरना शुरू किया और जब गर्दन पे हाथ फेरा उसी हालत में उसने जान दे दी। सैयदा ने कहा जल्दी से कपड़ा लाओ। कपड़ा लाया गया, गड़ा खोदा गया, उसमें उसको दफन कर दिया गया। दफन करने के 3 दिन के बाद सैयदा ने कहा ये गड़ा खोलो। जब गड़ा खोला गया तब उसके अंदर कुछ मौजूद नहीं था, सबके सब गायब था। आप अंदाजा करें हुजूर सबके रसूल हैं, जानवर भी हुजूर को रसूल मानते हैं और हुजूर को रसूल मानते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना एतकाद करते हैं। अब आइए परिंदों के भी हुजूर रसूल हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना।